हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमक व्लॉग एंड वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। ये जो मेरी इतनी सोई सोई सी शक्ल हो रही है, मैं रोज़ा खोल के सो गई थी। आज चांद रात है और मेरी तरफ से जब तक आप लोग ही देख रहे होंगे ईद हो चुकी होगी या ईद का बाद हो चुका होगा, तो आप लोगों को भी पहले से एडवांस में ईद और चांद रात मुबारक। और ये ईद का व्लॉग होगा। अभी हम आए हैं, हमारे कुछ पेंडिंग काम थे जो आखिरी चांद रात के छोटे छोटे काम होते हैं वो बचे हुए थे, वो करने आए हैं। और प्लस मुझे मेहंदी लेनी है, कोन मेहंदी देखूंगी, या तो कोन लूँगी और ख़ुद मेहंदी लगाऊंगी या मेहंदी लगवाऊंगी, तो जैसा भी प्लान होता है वो करते हैं। तो चले साथ साथ रहिए, स्टे विद मी। भाई मैं मेहंदी लेने आई थी, जितने पार्लर्स में मैं लाइन से मेहंदी का पता करने गई हूँ सब वहाँ फैन थे भाई। उन्होंने मुझे मेहंदी की बात बताने से पहले ये बोला, आप निम्मू हैं? मैं मास्क नीचे करके, हाँ जी जी मैं निम्मू हूँ। आप सलमान इमदाद की वाइफ हैं? जी जी मैं, हाँ सलमान इमदाद की वाइफ। अजीजिया आके हम जो है ना, माशाल्लाह जबरदस्त। अजीजिया जो है ना, अब वो सेलिब्रिटीज की तरह हुडी पहन के आना पड़ेगा, काली गाड़ी में सीधा बैठ के ड्राइवर के साथ, है ना मान। 10 मिनट सिर्फ ये कौन मेहंदी लेने के लिए मैं पार्लर्स में गई, तीनों पार्लर में फैन थे भाई। एक में जो काउंटर पे थी उन्होंने बोला, आप नम्मो है ना, जबकि मैंने मास्क लगाया हुआ था, मास्क उतारा नहीं था। फिर मैंने उनको मास्क उतार के दिखाया कि जी जी मैं नम्मो हूँ, आपने मुझे कैसे पहचाना, बोल लिया था आपको आवाज़ से पहचान ली। मैं बाहर आई तो मान का मीटअप हो रहा था बाहर, पिक्चर्स ली जा रही थी लोगों के साथ। हाँ भाई फैन मिल गए थे यार, लोग इतना प्यार करते हैं माशाल्लाह, एकदम से पहचान जाते हैं और फौरन से आके। और मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, जो भी देख रहा है कि कभी भी कहीं पे भी देखा करो ना, फौरन मिल लिया करो आके, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब भाई फौरन मिल लेता है, हाजिर होता है, कोई ऐसा वो नहीं है। ये खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो हमें आपसे मिलने में, नहीं कुछ भी नहीं है। जब भी जहाँ भी कहीं भी पहचानो ना, बोलो भाई इधर आओ, जज्बाती हो गया भाई, इधर आओ तस्वीर खींचो, तो ये कर लिया करो, ठीक है ना, अच्छा लगता है। मैं मेहंदी घर पे लगाऊंगी। मैंने कौन खरीद लिए। हेलो, अब हम आए उसामा के पास। उसामा तुमने क्या काम किए मेरे आज सारे? बहुत सारे काम किए उसामा। कॉल करके पूछ रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, लेवल में पहुंचा नहीं हूँ ना। उसामा ने मेरे बहुत सारे काम किए और अब मैं उसामा से सारा सामान पिक करने आई हूँ, है ना उसामा? बिल्कुल, अभी मैं आपको सारा सामान, और अभी हम अंदर पांडा जाने वाले हैं, अभी बाकी का सामान पांडा से लेने। भाई मेरे कपड़े सिल के आ गए, मेरी शर्ट जो सिलने दी थी वो आ गई है, और मैं घर जाके बल्कि पहन के दिखाऊंगी आपको ईद में कि वो कैसी है। हाँ ये व्लॉग ईद तक कंटिन्यू रहेगा, ईद के व्लॉग में। और जो है थैंक यू उसामा, उसामा ज़िया, जाए उसामा ज़िया को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ। बहुत ज़बरदस्त शो व्लॉग्स बनाता है ये लड़का, और इसने मेरे इतने सारे काम किए हैं चांद रात को, है मान। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? पांडा। अब हम पांडा जा रहे हैं। पूरे अजीजिया में चिकन्स जो है वो शॉर्ट हो गई थी ईद की वजह से। इंग्लिश खराब है तुम्हारी। चिकने होता है। हम पांडा आए हैं, उसकी मिन्नतें करेंगे कि वो हमें काट के टिक्के के पीस चिकन दे दे, इस प्लान से आए हैं ना। हाँ। भाई हम पांडा से भी निकल गए हैं, पांडा में भी हमें चिकन तो मिल रही थी लेकिन वो कोई काट के नहीं, चिकने तो नहीं मिली, फैन मिल गए। पांडा में भी हमें फैंस मिल गए थे और चिकन मिल गई थी लेकिन उन्होंने काट के नहीं दी, तो हमने वापस रख दी। अब हम सोच रहे हैं कि एक जगह से बिना खाल वाली चिकन मिलती है, वहाँ से लेके उसको मैं खुद कसाई बन के घर में काटूँ, देखते हैं अब क्या होता है। हाँ जी, तो हम घर आ गए थे और घर आके मैं शदीद बिजी हो गई थी क्योंकि बहुत सारे काम थे। सबसे मेन काम क्या था, चिकन फाइनली हमें मिल गई थी डेन्यूब से, लेकिन उसने पीसेस कर दिए थे, टिक्का पीसेस कर दिए थे लेकिन उसकी खाल नहीं उतारी थी। तो मैंने तकरीबन 1.5 घंटा लग के चिकन की सिर्फ खाल उतारी है, वो पीसेस की। ये मैंने पीछे जो है अभी खाल उतार के इसको साफ करके अच्छी तरह से धो के रखा है। अब मुझे इसको बारबेक्यू के लिए मैरिनेट करना है। अच्छा, हाफ चिकन जो है मैं वो लो स्पाइस मैरिनेट करूँगी और हाफ को स्पाइसी मैरिनेट करूँगी, अच्छा वाला। मान को ईद की नमाज़ पढ़ने भेज दिया, मीठे में मैंने कस्टर्ड बनाया था मैंगो, वो खिला के भेजा उनको। बस ये ऐसी ही होती है ईद, और ईद का असल एक्चुअली हम मक्का जाएंगे, तो ये चिकन मैरिनेशन करके वहीं ले जाएंगे, रात को वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। और फिर जब सब अभी ये सारे काम फिनिश हो जाएंगे तो मैं अपने खुद मेहंदी लगाऊंगी हाथ में, गोल टिक्का। ये देखें, यहाँ पे मैंने यखनी पुलाव के लिए यखनी चढ़ा दी है, ये गर्म बस बॉयल होने वाली है। अब जब ये रेडी हो जाएगी तो मैं पुलाव भी बनाऊँगी। फिलहाल मैं ये चिकन
मैरिनेशन कर लिए। स्पाइसी वाले 10 टिक्के मैंने अलग कर लिए। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब विनेगर डाल रही हूँ, सिरका। अभी ये लो स्पाइसी टिक्कों में मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून सिरका डाला है, 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस डाला है और 1 पैकेट पूरा चिकन टिक्का मसाला शान का डाला है, ये पूरा 1 पैकेट डाला है और ये वाला थोड़ा सा डाला है, यानी 2 टेबलस्पून ये डाला। दोनों डालने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता पेस्ट डालूंगी, 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और 2 टेबलस्पून भर के दही डालूंगी और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। तो 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने कच्चा पपीता पेस्ट डाला है इसमें, 2 टेबलस्पून भर के दही डाला है, 4 टेबलस्पून भर के ऑयल डाला है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, बट ऑयल ज्यादा अच्छा करेगा। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और चिकन के ऊपर अच्छे से मसाज करूंगी मसाले का पूरे, जैसे कि चिकन पे सारा मसाला लग जाए। हाँ जी, तो ईद का तैयार हो चुके हैं, पूरा दिन सो के रात को उठ के अब हम निकल रहे हैं मक्का के लिए। सारा सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम किया। ये मेरा मेकअप और अभी कपड़े आपको बाद में दिखाती हूँ, चलिए फिर चलते हैं। हाँ भाई, तो हम घर से निकल चुके हैं मक्का के लिए और रास्ते में हैं, बाकी का वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कि क्या किसी ने। और हाँ, ये देखो मैंने मेहंदी भी लगाई है, कलर बहुत अच्छा है यार। वो मैंने सुना है कि जो जिसका मियाँ ज्यादा प्यार करता है उससे उसका कलर बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो ऐसे ही होता है, तो आप मुझे प्यार करते हैं ना, इसलिए तो हमेशा कलर इतना डार्क आता है। सच है, ये बाद में लगाई थी इसलिए कलर लाइट है। अब मान मुझे ईद की मिठाई खिला रहे हैं और हमारी पार्टी शुरू हो गई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ईद मुबारक। पूरा डाल दूं, बहुत मजे के गुलाब जामुन इज माय फेवरेट, लेकिन बताऊंगा नहीं कि कहाँ के हैं ये।